सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। इंसान खुद की गलती पर सबसे अच्छा वकील बन जाता है और दूसरे की गलती पर सीधा जज बन जाता है। उन पर भरोसा करें और वे आपके प्रति सच्चे होंगे। उनके साथ अच्छा व्यवहार करें और वे खुद को अच्छा दिखाएंगे। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों में उड़ान होती है। आज का पंचांग 17 दिसंबर 2021 देर शुक्रवार, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी तिथि सुबह 7:24 तक रहेगी। कृतिका नामक नक्षत्र सुबह 10:40 तक रहेगी। इसके उपरांत रोहिणी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:30 से 11:33 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:01 से 12:44 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य धनु राशि पर रहेंगे। कुंभ राशि 17 दिसंबर 2021 दिन शुक्रवार, ग्रहों के स्थिति आपको आज बहुत अधिक सामाजिक होने को कह रही है। आप दूसरे से बातचीत के माध्यम से अपने जीवन शैली और करियर में बदलाव लाना चाहते हैं। जो कुछ आपने सोचा है वो सब करने की कोशिश करें। आप जो भी करना चाहते हैं उस पर अच्छे से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि आपकी क्षमता से अधिक जिम्मेदारी ना लें, यह समय है नई शुरुआत का, तो जहाँ भी हो सके नए कनेक्शन बनाए। नेटवर्किंग आपको आय के नए स्रोत प्रदान कर सकती है। व्यक्तित्व में परिवर्तन की भी संभावना है। आप आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे। अच्छा, आपका अधिकतर वक्त परिजन और कार्यालय के बीच में बीतेगा। अपने परिवार के प्रति अधिक भावुक रहेंगी। कुछ खाली समय खुद के लिए निकालें, सोचे समझे और अपनी समस्याओं को हल करें। कोई भी व्यक्ति अतीत में जाकर खराब शुरुआत को नहीं सुधार सकता, पर हर व्यक्ति एक नई शुरुआत करके उसका एक सफल अंत कर सकता है। सामाजिक गतिविधियों तथा अनुभवी लोगों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा तथा आप अपने अंदर अद्भुत शांति महसूस करेंगे। पारिवारिक जिम्मेदारियों को घर के सदस्यों में बांटने का प्रयास करें। आपको अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए और अधिक समय मिल पाएगा। पुरानी बातों को लेकर अपने विचार बदलने की कोशिश सफल होगी। नई ऊर्जा मिलेगी। खुद के द्वारा हुई गलती का एहसास होगा, लेकिन उस गलती को सकारात्मक तरीके से लेकर आप अपने अंदर बेहतर बदलाव ला सकते हैं। काम से संबंधित निर्णय लेते समय भावनाओं से अधिक अपने विचारों को महत्व देना होगा। पार्टनर के साथ समय बिताने का कोई प्लान अचानक से बन सकता है। त्वचा संबंधित विकार बढ़ने की आशंका है। विशिष्ट आयोजक समिति संस्था में मनोनीत होने के लिए भागा दौड़ी कर रहे हैं तो अब अनुकूल संकेत मिल सकते हैं। अपने पिता समान व्यक्ति के साथ संबंधों की अनुकूलता पर बल दें। अधिक तनाव से बचें। कॉल सेंटर पर काम करने वालों को अच्छा अवसर मिल सकता है। नई जगह नौकरी पाना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। पैरों में खिंचाव भी रह सकता है। विवाहित महिला अधिकारियों के लिए समय परीक्षा का सिद्ध हो सकता है। असमंजस की स्थिति भी रह सकती है, इसीलिए अपने से उम्र पद में वरिष्ठ किसी महिला से सचमुच समुचित परामर्श करें। मनोबल कम ना होने दें। किसी महत्वाकांक्षी कार्य के पूर्ण होने से आत्मबल बढ़ा चढ़ा रहेगा। निकट के लोग आपकी उम्मीदों पर खरे उतर सकते हैं। एकाग्रता भंग ना होने दें। सावधानियां, बैंक या निवेश संबंधित कोई काम में गड़बड़ होने से मन में कुछ झुंझुलाहट रहेगी, परंतु धैर्य और संयम से काम लें। युवा वर्ग मौज मस्ती की वजह से अपने महत्वपूर्ण कार्यों के प्रति लापरवाही करेंगे।
जिसकी वजह से नुकसान भी हो सकता है। बात करते हैं लव लाइफ की। पारिवारिक संबंध मधुर रहेंगे, प्रेम संबंधों में किसी प्रकार की गलतफहमियां उपज सकती है। आज के दिन मजे और कार्ड्स के नाम रहेगा। अपने संबंध के बारे में सोचना बंद करें और आराम करें, जिसके आपको लंबे समय से जरूरत है। कोई डांस या हल्की फुल्की मूवी देखें। आज के दिन पार्टी के लिए बेहतरीन है। आप पार्टी में चमकेंगे और आपके प्रिय या होने वाले प्रिय आपके इस आकर्षण से काफी प्रभावित होंगे। आपके दोस्त और प्रियजन वो संपत्ति है जो आपकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्यार में पहल कोई भी करे, बस इसका अंत सुखद होना चाहिए। आपकी लव लाइफ बहुत ही रसपूर्ण है, किंतु कुछ उतार चढ़ाव आज आपके मूड को परिवर्तित कर सकते हैं। अपने पार्टनर की सुने और शांत रहें। अगर आप दोनों किसी भी काम को साथ मिलकर करेंगे तो आपको हमेशा सफलता प्राप्त होगी। अगर आपका प्रेमी कहीं दूर है तो आज मिलने की संभावना है। बात करते हैं करियर की। आज के दिन सट्टा व्यापार के लिए सबसे उपयुक्त है। आज एक लॉटरी टिकट या कंपनियों के शेयरों में निवेश करने से धन वृद्धि का एक उच्च मौका है। आपको किसी से एक अच्छा सुझाव मिल सकता है और अगर आप उसे समय पर करते हैं तो आप अपनी आय बढ़ा सकते हैं। आज का दिन आपके लिए शांतिपूर्ण रहेगा। आज हर काम पूरी निष्ठा से करें और हर बात का ध्यान रखें। लोगों का सम्मान करें और अहंकार से दूर रहें। फर्जीपन या घमंड से किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती। आज आपका ध्यान आपके करियर के मुख्य मुद्दों पर होगा। आप महत्वाकांक्षी हैं और आपके इसी गुण से आपकी कंपनी को फायदा होगा। बहुत समय से अटके हुए सौदे और मुद्दे भी आपको लाभ पहुँचाएंगे। विज्ञापनों और ग्राहकों के माध्यम से आप अपनी स्थिति को मजबूत कर सकती हैं और इसे प्रतिस्पर्धा की मदद भी मिलती है। बिजनेस के कामकाज में सुधार होगा। किसी काम को लेकर आप जो मुकाम हासिल करना चाहते हैं उसे पाने के लिए आज पूरी कोशिश करें। सफलता मिलने निश्चित है। पार्टनरशिप संबंधित व्यवसाय में आपसे तालमेल उचित बना रहेगा। बात करते हैं सेहत की। महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा सजग रहें। किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है, लापरवाही करना नुकसान दे सकता है। आप पिछले कई दिन से स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी परेशानियों से परेशान हो रहे हैं। आज ये समस्याएं आपके सामने और भी गंभीर रूप से प्रस्तुत होगी। अभी इस स्थिति का समाधान कर लें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये किसी बड़ी समस्या का शुरुआती लक्षण हो, इसीलिए इसे बढ़ने का मौका न दें। अपने स्वास्थ्य, फिटनेस तथा खाने संबंधित मामलों का विशेष ध्यान रखें। अपने सेहत का पूरा ख्याल रखें। आज का उपाय। आज आप माता लक्ष्मी जी के समक्ष कमल के फूल अर्पित करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।